इस लेवल से थोड़ा सा पीछे रहना कैमरा में, अंदर आ रहे हो। इधर तक आऊंगा, इधर इसी लेवल के बाहर नहीं आना। स्टैटिस्टिक्स का 25,000 ठीक है, द्रौपदी माता जी का ठीक पर सिद्धमती माता जी की जो गुरु माँ है आर्यका माइक से पर दृढ़मती माता जी जो उदासीन आश्रम में विराजमान है, आपको जानकारी हो अगर आप उनके प्रवचन का लाभ लेना चाहते हैं तो सारथी सेवा समूह प्रतिदिन सुबह के मंगल प्रवचन तत्वासूत का वाचन लाइव प्रसारण कर रहा है। आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज पर जाकर वह देख सकते हैं। आज हमने जो प्रसारण किया था लगभग 25,000 लोगों ने उस प्रसारण को देखा था, तो अगर आप भी चाहें तो आप भी उसको देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और आप लाइव जो भी होगा आप देख पाएंगे। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सारथी सेवा समूह के निर्देशक भैया आगम जैन को, वो आएंगे और हमारी टीम का इंट्रोडक्शन आपको देंगे और कुछ ही मिनटों में हम हमारा जो कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। आगम भैया So, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं अपने समूह से आपका परिचय करवाना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष ऋतिक जैन, लाइव है ना, हमारे अध्यक्ष ऋतिक भाई, आप जिनको नाम दे रहे थे संकेत भाई, सरल जैन, सिस्टम पे टेक्निकल बैठे हैं आदित्य राज जैन, सार्थक जैन, ऋषि अंकित जैन, और यहाँ पर हमारे साथ पूरा लॉजिस्टिक संभाले हुए हैं रोमेल, अतिशय और आदिश, एक जोरदार। और आप जिस माध्यम से हमें YouTube पर देखेंगे वो उसका संचालन है आयुष जैन, शांति किराना और सिद्धांत के हाथों। तो अब शुरू करते हैं भाग 3, कौन बनेगा ज्ञान सारथी का। ऋतिक भैया पहली पर्ची उठवा रहे हैं हम या फिर ऑनलाइन क्वेश्चन है पहला? नहीं, हम डायरेक्ट पर्चियों के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन दर्शकों के साथ मैं जुड़ना चाहूंगा, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़ गए हैं अपने परिवार अपने मित्रजन तक इसको शेयर करते रहिए, दूसरों तक पहुंचाते रहिए। चलिए मैं शुरू करता हूं मंगलाचरण से, उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। गुरु को याद करते हैं, सभी लोग मानस बनाइएगा। व्यासागर विश्ववंद शमिणम भक्त्या सदा संस्तुभे सर्वोच्चम यमिनम विनम्य परमम सर्वार्थ सेति प्रदम ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वस्य विश्वाश्रयम साकारम शमिणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम विद्या गुरु वंदनम विद्या गुरु वंदनम। बोलिए 108 आचार्य विद्यासागर मुनिराज की। आर्यकमा 105 सिद्धमती माता जी की। आर्यकमा 105 सैयदमती माता जी की। आर्यकमा को यहीं से मैं पूरी टीम की तरफ से सादर वंदामी 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 निवेदित करता हूं। और अब हम सीधे बढ़ेंगे कार्यक्रम की तरफ। जैसा कि आपको पता है हम एक पर यात्रियों से मिले लेकिन हमें वहां पर ज्ञान सारथी नहीं मिला। अब हम आ गए हैं दूसरे स्टेशन पर। दूसरे स्टेशन का नाम क्या है? दीनदयाल नगर। दीनदयाल नगर में एक बार फिर से हम ज्ञान सारथी की खोज करने के लिए आपके समक्ष आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ हमें कोई ऐसा यात्री मिलता है जो ज्ञान सारथी है,
तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। इस खोज को हम प्रारंभ करते हैं, कौन बनेगा ज्ञान सारथी? तालियों से शुरुआत करते हैं। महिलाओं से मेरे पास करने का है तो पर्चियां ले आइए। पर्चियां उठाने के लिए कोई एक बच्चा आगे आ जाए। दो पर्चियां उठा दीजिए आप, एक और। थैंक यू। पहला नाम है स्नेह जैन, स्नेहा जैन। ठीक है, किसी के स्टेज पर आ जाइए स्नेहा जैन। दूसरा नाम है अंजलि जैन, अंजलि जैन, अंजलि जैन और स्नेहा जैन जल्द से जल्द मंच पर आइए। हमारे प्रतियोगियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मंच पर आए ताकि हम कार्यक्रम को जल्द से जल्द आगे बढ़ा सकें। आइए, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आप हॉट सीट पर बैठे हो जाइए। So, हम आपसे निवेदन करते हैं शुरू करने के पहले आप अपना परिचय दे दीजिए दोनों जन। कैमरे की ओर देखकर बोलिएगा, दर्शक भी वहीं बैठे हैं। मेरा नाम स्नेहा जैन है। मौका है जब आप ऐसा कुछ खेल खेलने वाले हैं? नहीं, हमारे यहाँ दीनदयाल नगर के मंदिर में भी खिलाया जाता था, तब हम लोगों ने खेला है। चलिए, मतलब ये तो सब ही बताएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे ही खत्म होती है वहां पर समाप्त हो रहा है। दिया जाएगा, आप माइक थोड़ा ध्यान से पकड़िए। उसके बाद दो हैं, एक है अदला बदली और दूसरा है दर्शक सूची। आप क्वेश्चन बदल सकते हैं, यह लाइफलाइन आपको समय के अंदर लेनी होगी वरना मान्य नहीं होगी, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और दूसरा जो लाइफलाइन है वो है दर्शक पूछी में आप ऑडियंस पोल जो होता है उसका उपयोग करेंगे। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा जब आप उसका उपयोग करना चाहेंगे। तो आगम भैया शुरू करें क्या? बिल्कुल ऋतिक भाई, सिर्फ दो ही लाइन। दो चालू है दर्शकों, सरल भाई माइक देखेंगे चालू। हेलो हेलो, चलिए शुरू।
गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज किस ओर लौटने की बात कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? ये गांव से सही की ओर, इंडिया से भारत, पश्चिम से पूर्व की ओर, महाराष्ट्र से बुंदेलखंड की ओर, इंडिया से भारत की ओर। दर्शकों सही, देखिए जल्दबाजी में बहुत सारे यात्री पिछली बार ज्ञान सारथी नहीं बन पाए थे, आपको मिलता है उसका पूरा उपयोग कीजिए। जब तक पर सोच विचार चल रहा है, आप सभी से निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल खोल कर सब्सक्राइब करें। बी इंडिया बिल्कुल इंस्टाग्राम चलाती है? No. आप नहीं चलाते? इंस्टाग्राम चलाते हैं। आपको बता रहा हूं, आचार्य उसमें कह रहे हैं लौट चलो इंडिया से भारत की ओर। चेंज कराना चाहते होंगे, इतनी जल्दी आपने सोचा भी नहीं? क्या आप खेल से ज्यादा परिचय नहीं रखती? नहीं। चलिए की है क्या प्रयोग किया जाए और दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ जाए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। समय वही रहेगा, पिछला जो समय था वो निकल चुका है। जल्दी से बताइए, आपके पास एक और लाइफलाइन है, दर्शक पूछी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप जल्दी से जवाब दीजिए। ऑडियंस से पूछिए, ऑडियंस से पूछना चाहेंगे। चलिए बहुत आ गई है, मुझे नहीं लगता था इतनी जल्दी आपकी बारी आएगी। तो प्रश्न आपको पता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, महात्मा गांधी के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आप जवाब कैसे देंगे मैं बता देता हूं, मैं ऑप्शन बताऊंगा, आपको हाथ खड़े करना है अगर आपको लगता है वह सही उत्तर है। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं, ए जवाब, सी सुभाष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपने देख लिया है, बताइए क्या है सही उत्तर। समय समय कितना बचा है टीम, ध्यान रखिएगा। सी सी सुभाष चंद्र बोस। एक खेल खेल रही है तो आपको या तो मुझे देखना है या कंप्यूटर को देखना है, आप दर्शकों को तभी देखेंगी जब ऑडियंस पोल इस्तेमाल हो। ओके, तो अभी आपने कौन सा जवाब बोला है बताइए। सी। सो कंप्यूटर पर बैठे हमारे ऋषि भाई से अनुरोध है सी को लॉक करें। क्या सही? बिल्कुल सही। जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करें जाते हैं उनको। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई थी और उनको सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार पुकारा था। दो ही प्रश्न में आपकी दोनों लाइफलाइन जा चुकी हैं, आप सतर्कता से खेलिएगा वरना आप पहले पड़ाव से पहले ही बाहर हो सकते हैं। तीसरे स्क्रीन पर यह रहा, उर्जियंत गिरी से कौन से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये ए बुद्ध जी, बी नाथ जी, सी महावीर जी या फिर डी नेमिनाथ जी।
उजयंत गिरी से कौन से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं? ए वासुपुत जी, बी पार्श्वनाथ जी, सी महावीर जी या फिर डी नेमिनाथ जी? ऑनलाइन दर्शकों से अनुरोध है वो भी आंसर अपने ऑनलाइन कमेंट्स में देते रहे। ऑनलाइन दर्शकों रुकनी नहीं चाहिए। आप बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, आप गेम में बिल्कुल बने हुए हैं, आप अपने कमेंट्स देते रहिए। आप श्योर है? नेमिनाथ भगवान को लॉक किया जाए, डी ऑप्शन। उज्जैन गिरी किस नाम से जाना जाता है आपको पता है? क्या किस नाम से जाना जाता है उज्जैन गिरी को? गिरनार जी पर। गिरनार जी बिल्कुल सही। गिरनार जी से कौन सी चिकन पर मोक्ष गए? तीसरा प्रश्न हो चुका है, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा आरिका 105 श्री सिद्धमती माता जी की दीक्षा स्थान क्या है? ए जबलपुर, बी कुंडलपुर, सी नीमावर या फिर डी? इनमें से कोई नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको सिर्फ मुझे देखना है या कंप्यूटर स्क्रीन को देखना है। जबलपुर। ए जबलपुर। क्या आप श्योर हैं? आर्यका माँ कितनी अच्छी प्रभावना कर रही है, आपको कैसा लगता है माता जी के प्रवचन सुनने मिल रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है? माता जी के आने से हम लोग को बहुत अच्छा लगा, पर पहले ऐसे कभी नहीं मनाए जो इस बार मना रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा। चलिए पहले उत्तर पर आते हैं, आप बताइए किस उत्तर को लॉक किया जाए? ए। आर यू श्योर? सोच लीजिए, लाइफ लाइन तो है नहीं, बताइए। अभी लाइफलाइन नहीं है, लाइफलाइन नहीं है, जल्दी से बताइए। खत्म हो गए ना ऋतिक भाई। ए जबलपुर। कंप्यूटर जी, दर्शकों क्या लगता है, क्या यह सही उत्तर है? कंप्यूटर जी बताइए क्या यह सही उत्तर है? नहीं। अफसोस। बहुत अच्छा। आर्यका श्री 105 सिद्धमती माता जी की दीक्षा नीमावर में हुई थी, जबलपुर में नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, एक बार फिर से जोरदार तालियों से यहाँ तक पहुंचे हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, हमारे निर्देशन का आपको पारितोषिक प्रदान करेंगे। सर्टिफिकेट आपको बाद में दिया जाएगा, अभी आप पारितोषिक ले लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो दर्शकों देखा आपने, 10 मिनट के अंदर एक जोड़ी ज्ञान सारथी की अपनी कोशिश लेकर वापस अपने स्थान पर लौट गई है। पारितोषिक लीजिए हमारे आगम भैया जी, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, यहाँ पर आने के लिए भी पढ़ने की आवश्यकता है, तो जोरदार तालियां बजती रहे। मुझे इस बात का दुख है कि इतने आसान प्रश्न पर एक जोड़ी बाहर हुई है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा, दर्शक अपना हाथ खड़े कर बता सकते हैं किसको उत्तर पता है। प्रश्न है, बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बोलना नहीं है, हाथ खड़े करना है और हिंदी में उत्तर देना है, इंग्लिश में नहीं चलेगा। हमारे आदिश भाई पहुंचेंगे किसी के पास, वो भावी बेटी है, वहां तक पहुंची। अब जब तक मेरे लिए दो पर्ची दी जाए पुरुष वर्ग की ओर से, जल्दी से। बृहस्पति। खड़े होकर अंतर दीजिए। बृहस्पति बिल्कुल सही उत्तर है। आइए पारितोषक ले लीजिए। अगले नाम मेरे पास आ चुके हैं पुरुष वर्ग से जो आने वाले हैं, आएंगे श्री मनीष जैन और दूसरा नाम है उनके जोड़ीदार श्री संतोष जैन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री मनीष जैन और श्री संतोष जैन का। शीघ्र अतिशीघ्र हॉट सीट पर आएंगे वो। बैठ सकते हैं आप हॉट सीट पर। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों जन का।
शुरू करने के पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। मैं मनीष जैन। आप कैमरे की तरफ। मनीष जैन। मैं संतोष जैन। थोड़ा सा डिटेल भी दे सकते हैं एक लाइन और ऐड करके। मेरा नाम मनीष जैन है, मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हूँ और ललितपुर का रहने वाला हूँ। थोड़ा सा माइक पास पर रखिए। वाला परिवार कहलाता है और मैं दीनदयाल नगर में रहता हूँ। जी, आप सब परिचय रहते हैं। सो चलिए तो शुरू करें। कैसा लग रहा है आपको? शांतिनाथ भगवान की। चलिए, नियम आपको पता है तो शायद मैं आपको रिपीट ना करूं तो चलेगा। चलिए, राउंड वन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ऋषि भाई से अनुरोध है वो प्रश्न बदल दें। आपके लिए पहला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। महामंत्र रमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 55, बी 58, सी 5 और डी 35। मैं आपको याद दिला दूं, आपके पास दो लाइफलाइंस भी हैं, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 58। आप कह रहे हैं बी 58, क्या आप श्योर हैं? आप कैमरे की तरफ थोड़ा सा अपना चेहरा कर लीजिए। हमारे ऑनलाइन से याद दिलाना चाहता हूँ, जब तक यहाँ सोच विचार चल रहा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाने वाले जितने भी लोग हैं युवा वर्ग, उन्होंने अगर अपने माता पिता को इंस्टॉल करवाया हो तो कृपया उनसे भी आप जाके उनका फॉलो करवाएं। चलिए कपड़े जी, उत्तर आ गया है बी 58, लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम विलंब नहीं करते हैं, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। आपके ऑप्शंस रहे ये समास, संधि, उपसर्ग या प्रत्यय। बी संधि। बी संधि, क्या आप श्योर हैं? लॉक किया जाए। कंपटी जी, बी संधि लॉक किया जाए। समास नहीं सोचा आपने? सोचा था। तो समास आपने क्यों नहीं लगाया? मैंने आपको बताया था आपके पास दो लाइफलाइन है, आप क्वेश्चन बदल सकते थे, आप दर्शकों से पूछ सकते थे, लेकिन लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल। संधि भी सही है, चिंता ना करो, संधि सही है। अच्छा हुआ नहीं की, क्योंकि ये बिल्कुल सही उत्तर है। दो वर्णों से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं, तो शब्दों से जो विकार होता है उसे हम समास कहते हैं। बिल्कुल सही पहचाना कंटेस्टेंट में। अगला प्रश्न एक बार फिर से दर्शकों के बीच में ला रहा हूं, बताइएगा कर रही है उनके नाम आपको बताना है, तीनों गांव के नाम आपको बताना होगा। हाथ खड़ा करके बताइए, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, पहुंचिए, हमारे आदिश भाई पहुंचेंगे। मैं देख पा रहा हूं दर्शक दीर्घा में कुछ लोग वर्ग में, आदिश पहुंचिए, वहां पर हमारे कुछ भाई लोग हाथ उठा रहे हैं, माइक वहां तक पहुंचेगा नहीं तो आ जाइए, इधर आ जाइए जल्दी। नेहा नगर में जो माताजी चातुर्मास कर रही हैं, आपको उनके नाम बताना है, तीनों माताजी के नाम बताना होगा, बताइए। आरिका साधनामती माताजी, आरिका विजयतमती माताजी, आरिका मुदितमती माताजी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए
बिल्कुल सही, आरिका श्री 105 द्रणमती माता जी के पास इतने सारे रत्न हैं, उन्होंने अलग अलग जगह पर भेजे हैं आपके यहाँ पर। आरिका श्री 105 सिद्धमती माता जी है, हमारे पास आरिका श्री 105 सातनामती महाराज जी वर्मन। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपकी महाकाव्य छह डाला किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल जी, दूसरा ऑप्शन है पंडित जगनलाल जी, तीसरा ऑप्शन है पंडित दौलत राम जी और चौथा ऑप्शन है पंडित पन्नालाल जी। जवाहरलाल जी है नहीं है। आपका समय शुरू हो चुका है। समय का ध्यान रखिएगा। सी पंडित दौलत राम। और दर्शकों कमेंट आपको करते रहना है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए, बताइए आप क्या कह रहे हैं। सी पंडित दौलत राम जी। पंडित दौलत राम जी। छह डाला किसके द्वारा लिखी गई है आप कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी, क्या इसे लॉक किया जाए? माइक पे एक बार जोर से बोलिए। लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। आपने छह डाला थोड़ा थोड़ा पढ़ा, कोई बात नहीं। अभी ना परीक्षण के पश्चात आप माता जी से आग्रह कीजिएगा, आपकी छह डाला की क्लास माता जी लगा लिया करेंगी। उनके साथ साथ ब्रह्मचारी रानी दीदी जी भी हैं, वो भी आपकी क्लास ले सकती हैं। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह रहा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? आपके ऑप्शंस हैं शैव, ऑप्शन दो है जैन, ऑप्शन तीन बौद्ध, ऑप्शन तीन वैष्णव। बी जैन। आपको लगता है जैन? हाँ बी जैन। अच्छा, हम यहाँ पर परीक्षण पर्व में प्रतियोगिता करा रहे हैं तो आप जैन धर्म बोल रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ? उनके उन्होंने अपने सबसे ज्यादा जैन धर्म का विकास विस्तार जो हुआ था वो अंतिम समय की जो उम्र रहेगी तो उस समय मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ उसके जीवन काल में कि कोई ऐसी स्थिति आई हो कि जैन धर्म का घटाव हुआ हो, तो इसलिए भी लगता है कि जैन धर्म के अलावा किसी और को उसने माना हो। तो क्या मैं कंपटी जी को गाइड करूं कि वो बी जैन लॉक कर दें? कंपटी जी बी जैन लॉक किया जाए। बिल्कुल सही। अब अंतिम प्रश्न पहले पढ़ा होगा आपकी स्क्रीन पर। एक हजार आठ भगवान शांतिनाथ जी की कूट का क्या नाम है? कुंद प्रभ कूट, शांति प्रभ कूट, शंकुल कूट, ललित कूट। मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास दो लाइफलाइन है, अदला बदली और दर्शक पूछी। आपको बता दूं कि जो लाइफलाइन है अगर हम साथ में ले गए तो उसके बदले में कोई इनाम नहीं देते हैं हम, इसलिए अगर आप बैठे हैं तो उसका इस्तेमाल करें, आपको आगे पहुंचाने में मदद करेंगी, इसके लिए मैंने आपके लिए दो रखे। क्या आप दर्शकों से पूछना चाहेंगे? दर्शकों का शांतिनाथ भगवान की कूट का क्या नाम है? मैं ऑप्शन लेने वाला हूं ए कूट, बोलना नहीं आपको, सिर्फ हाथ उठाना है। बी शांति प्रभ कूट, सी संकुल कूट या फिर डी ललित कूट। चलिए मेरा आपने देख लिया होगा, बताइए क्या होगा। एक कुंद प्रभ कूट के साथ जाना चाहेंगे। एक कुंद प्रभ लॉक किया जाए? हाँ लॉक। श्योर है आप? एक बार लास्ट टाइम बोल दीजिए। हाँ लॉक किया जाए कुंद प्रभ कूट। कंप्यूटर जी ए कुंद प्रभ कूट ऑप्शन किया जाए। शिखर जी कौन कौन जाने वाला है परीक्षण के बाद? अच्छा बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। परीक्षण के पहले कौन कौन गया था? आज ही भैया जी बता रहे थे कि उन्होंने अपनी 108 वंदना पूरी कर ली। हमारे यहाँ जो भैया जी आए हैं
राजेश भैया जी कोटमा वाले, वो बता रहे थे उन्होंने 108 वंदना पूरी किया। वो बोल रहे थे कि जब तक आपके शरीर में जान है आप चल फिर पा रहे हैं, जितनी बार वंदना कर सकते हैं कर लीजिए। और शिखर जी से हमने यह प्रश्न पूछा है कि शांतिनाथ भगवान की कूट का क्या नाम है। दर्शकों की राय लेने के बाद प्रतियोगी ने बोला कि कुंद प्रकूट। चलिए देखते हैं, कंपनी जी बताइए क्या यह सही उत्तर है। उत्तर बिल्कुल सही है, तकनीकी खामी के कारण आपको गलत दिख रहा है, कुंद प्रकूट। दर्शकों को बहुत धन्यवाद। आपकी ही कॉलोनी के प्रतियोगी यहाँ बैठे हैं और आपको जय जय कर रहे हैं, इतनी खुशी है उनको कि पहला पड़ाव पार हो गया है। लेकिन मैं के लिए देखें, अभी 13 प्रश्न तक आपको आगे चलना है, अभी सिर्फ 5 प्रश्न हुए हैं और इसके लिए आपने एक लाइफलाइन भी इस्तेमाल कर ली। राउंड 2, द्वितीय राउंड के पहले हम एक ऑनलाइन दर्शकों के लिए प्रश्न देते हैं जो कमेंट्स में आप आंसर करिए। नहीं नहीं, आपको मोबाइल निकालने की अनुमति अभी नहीं है। चलिए, ऑनलाइन दर्शकों के लिए प्रश्न है, बताइएगा कि दर्शक भी साथ में अपना जो उत्तर है वो दे सकते हैं। आपको बताना है कि 24 तीर्थंकरों में ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जो 3 पद के धारी हैं। बताइए, अपना हाथ खड़ा करिए और ऑनलाइन दर्शक भी कमेंट में बताइए। ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए है ऋतिक भाई। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन सिर्फ फोन रखिए तो ऑनलाइन आप उसका जवाब दे सकते हैं। आप कमेंट्स पढ़ते रहिएगा, सारथी सेवा समूह फेसबुक पेज पर जाइए, लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोग वहां पर कमेंट्स दे रहे हैं। जल्दी आपको मैं स्टैटिक्स बताऊंगा कितने लोग लाइव देख रहे हैं, कितने लोगों तक ये पहुंच रहा है। चलिए, ऑनलाइन जो आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं, अभी आपको जो समय मिल रहा था वो 60 सेकंड था, अब वह बढ़कर 75 सेकंड यानी प्लस 15 आपके लिए कर दिया गया है। लाइफलाइन का इस्तेमाल वैसे ही आप कर सकते हैं। एक और आपके पास बची है, अदला बदली, एक लाइफलाइन शेष है इनकी। जी हाँ, ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि चूंकि आप हॉट सीट पर आए तो आपको पारितोषक तो मिलेगा ही, लेकिन पहला पड़ाव पार हो गया है तो आपके लिए एक उससे ऊपर वाला पारितोषक निश्चित सुनिश्चित कर लिया गया है। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप क्विट करने से पहले, या तो आप क्विट कीजिए, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको सामान्य पारितोषक ही मिलेगा। तो सोच समझ कर आप आगे बढ़िएगा। राउंड 2 अब शुरू होने वाला है, जो ताली आपको माइक का उपयोग करना है जब भी आप बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। राउंड 2 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अंग्रेजी में एक लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग, उनकी किताब है द जंगल बुक में का किस प्रकार का सांप होता है। पहला करैत, दूसरा कोबरा, तीसरा वाइपर और चौथा अजगर। रुडयार्ड किपलिंग की बुक द जंगल बुक में का किस प्रकार का सांप होता है, करैत, कोबरा, वाइपर या अजगर। अगर मैं हिंट देना चाहूं, हम हिंट नहीं देंगे भैया, इनके पास लाइफलाइन है। जंगल बुक काफी प्रख्यात किताब है, देखिए सीरीज देखिए द जंगल बुक सीरीज, सांप का किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे थोड़ा टफ है। चलिए जल्दी से विचार बनाइए और आंसर दीजिए, करैत, कोबरा, वाइपर या अजगर। जंगल बुक में का किस प्रकार का कोबरा सांप होता है। ऑनलाइन दर्शक अपनी भूमिका निभाते रहिए। बी को आपके पास लाइफलाइन भी है, आप एक लाइफलाइन बची है ऋतिक भाई जी, इनके पास एक लाइफलाइन है। बहुत जल्द आपका समय समाप्त होने वाला है, चेंज कर दिए क्वेश्चन। आप लाइफलाइन लेना चाहेंगे जल्दी से बताइए, चेंज कीजिए क्वेश्चन। चलिए, तो दर्शकों की जो दूसरी लाइफलाइन थी वो इस्तेमाल कर ली गई है और मैं कंप्यूटर जी से अनुरोध करता हूं कि ये जो प्रश्न है वो बदला जाए। लेकिन यह प्रश्न बदलने के पहले, जी हाँ, ये ट्रांसफर कर रहे हम दोनों के लिए, बताइए का किस प्रकार का सांप है। मैं बच्चों से इसका जवाब चाहता हूं, आदिश भाई
माइक दे दीजिए। बच्चा जो है वो कोबरा, क्या बोला आपने? कोबरा। आपने देखी है जंगल बुक? जंगल बुक देखी है आपने? हाँ। कौन गाना आता है उसमें? पता चला है, बिल्कुल सही। अभी आपको पता, कोविड के दौरान कुर्सियां दिखाई गई थी और मैं पता कर पूरी देखी थी। और काका किरदार बिल्कुल सही, कोबरा है। आइए बेटी आप पारी पुस्तक ले लीजिए। अजगर है, माफ कीजिए, कोबरा नहीं है। पारी शोध, अरे बुला बुला बुला, बच्ची को बुला लो, लेकिन आ जाओ। आपकी गलती हो गई थोड़ी सी, अपने बचपने में चला गया था और इस वजह से गलती कर बैठा। इसका वह एक प्रकार का सांप है और आपने क्वेश्चन बदला था। चलिए बदला। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी नागालैंड और डी मिजोरम। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम? आप दर्शकों की ओर नहीं देखेंगे, चारों नॉर्थ। ध्यान रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्विट भी कर सकते हैं। सिक्किम, सिक्किम के साथ जाना चाहूंगा। क्या आप श्योर हैं? आपस में विचार कर लीजिए। सिक्किम ही लग रहा है। मणिपुर एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से बचाइए टाइम, 15 सेकंड बचा। सिक्किम लॉक कर दीजिए। सिक्किम लॉक किया जाए, क्या आप श्योर हैं? चलिए सिक्किम, कंप्यूटर जी, मैंने आपको बोला था आप क्विट भी कर सकते हैं। आपके पास लाइफलाइन नहीं थी लेकिन आपने उत्तर देना सही समझा। देखते हैं आपका उत्तर सही है कि गलत। कंप्यूटर जी बताइए क्या है सही उत्तर है। अफसोस, नागालैंड। सिक्किम नहीं, नागालैंड। इंडिया एक राजभाषा अंग्रेजी है। कोई बात नहीं, आप छठवें प्रश्न तक पहुंचे, अभी तक सबसे ज्यादा तक पहुंचे, जोरदार हो जाए। और एक बार के साथ हम आपको विदा लेंगे। आपको जो पारितोषक है वो देंगे, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी। चलिए जल्दी से अगले प्रतियोगी महिला वर्ग से मेरे पास पहुंचा दीजिए। मेरी टीम से अनुरोध है जल्दी से जल्द अगले प्रतियोगी मेरे के नगर के पहला पड़ाव पार किया था। आपको बता दें यहाँ पे जो श्री संतोष जी जैन है वो मेरे मौसा जी लगते हैं। थोड़ी अधिक ताली बजाइए आप। चलिए निर्देश आया है कि गिफ्ट जो है वो बदला जाएगा क्योंकि पड़ाव पहला पार किया गया था। अगले चेक मेरे पास पहुंचाई जाए। सो हमारे पास अब यहां पे दो नए नाम हैं महिला वर्ग से। शिल्पी जैन, शिल्पी जैन जल्दी से स्टेज पर आइए और उनके साथ जो रहेंगी जोड़कर उनका नाम है शिवानी जैन। जल्दी से स्टेज पर आइए। पहले राउंड के तृतीय जाएगा आप। जल्दी से स्टेज पर आएंगी बहन शिल्पी जैन, बहन शिवानी जैन और श्रीमती शिल्पी जैन। आइए हॉट सीट पर बैठिए।
सारथी बनने की खोज निरंतर जारी है। अगले प्रतियोगी फिर से आ गए हैं, माइक हाथ में ले लेंगे आप दोनों। कैमरे की तरफ थोड़ा सा अपना मुख रखिएगा और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जल्द। पहले थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, आप परिचय दे दीजिए ऑनलाइन दर्शकों को और हमारे जो साथ बैठे उनके लिए। मेरा नाम है शिल्पी जैन। माइक पास कर। मेरा नाम है शिल्पी जैन। मेरा नाम शिवानी जैन है। चलिए, मैंने बोला था मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। पिछले प्रतियोगी जो अभी पहला पड़ाव पार करके स्टेज पर गए हैं, उन्हीं की सुपुत्री शिवानी जैन अब अगली प्रतियोगी के रूप में आ गई हैं। तो शिवानी, जो पिताजी हैं वह तो ज्ञान सारथी नहीं बन पाए, आपको क्या लगता है आप ज्ञान सारथी बन जाएंगे? अभी पता चलेगा क्या होता है, हम तो भाभी के भरोसे बैठे हैं। और भाभी आप बताइए, क्या आप उनके भरोसे तो नहीं थी? थोड़ा रे, मामला थोड़ा गड़बड़ सा हो गया है। अब देखते हैं कहां तक पहुंचती है जोड़ी। क्या एक दूसरे के भरोसे रहने वाली जोड़ी हमारे सामने आ गई है, आपको नियम पता है? हाँ। चलिए तो डायरेक्ट पहला प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए। चलिए, रावण का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। दशलक्षण धर्म का सूत्र मोक्ष मार्ग मोक्ष शास्त्र के किस अध्याय में आया है? आपके ऑप्शंस हैं ए तीसरा अध्याय, बी नौवां अध्याय, सी पांचवा अध्याय या फिर डी सातवां अध्याय। कीजिए, हमारे साथ 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 चल रही है, 60 सेकंड के बाद वो चलना बंद कर देगी। आपके पास दो लाइफलाइन है, दर्शकों की राय और अदला बदली, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नजर मेरी तरफ रखिएगा या फिर कंप्यूटर जी की तरफ, और लाइफलाइन दो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। ओहो, पहली ही पर लाइफलाइन इस्तेमाल की गई है, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? क्वेश्चन चेंज यानी अदला जो है वह लाइफलाइन इस्तेमाल की गई है। जनता से पूछ रहे हैं, जनता क्या इसके लिए मैं आपको पारितोषक दूंगा, बताइए। पारितोषक मिलेगा जब आपको वह सूत्र पढ़ के मुझे बताना पड़ेगा। धर्म का सूत्र तत्व अध्याय में आता है। देखिए, मैं आज सुबह माता जी के आदेश पर तत्व सूत्र का करने आया था और मैंने सुना बहुत सारे लोग इतने अच्छे से जो है पाठ कर रहे हैं, माता जी ने इतने सारे लोगों को सिखाया है। बड़ी माता जी बताइए, कौन उत्तर देना चाहेगा? भैया पीछे पहुंचाइए, वो आंटी हाथ खड़ा कर रही है। नहीं, ये माइक की थोड़ी सी समस्या हमें यहां पे देखने में आ रही है, कोई बात नहीं, जल्दी बताना होगा। ये तत्व और सूत्र का नौवां अध्याय है। चलिए, ये सही है, सूत्र भी बताइए। उत्तम क्षमा मादा सत्य संयम तपस त्याग ब्रह्मचर्याणि धर्मा। चलिए, थोड़ा बहुत लेकिन चलता है। आइए, मैं चाहूंगा कि उन्हें पारितोषिक प्रदान किया जाए। बिल्कुल सही, उत्तम क्षमा मादा और चौच सत्य संयम तपस त्याग किंचन ब्रह्मचर्याति धर्मा, यह पारितोषक आपको प्रदान किया जा रहा है हमारे समूह के कोषाध्यक्ष सरल जैन जी द्वारा। वापस से आते हैं, पहले ही प्रश्न पर आपने लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली है। देखिए, घबराइएगा ना मत, कंप्यूटर जी थोड़ी सी सहायता करते हैं आपकी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, क्योंकि पहले में ही आपने लाइफलाइन ले ली थी, वही प्रश्न आपके पास आ रहा है। प्रश्न यह रहा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हांसन, बी हार्वर्ड, सी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी रॉबर्ट कोक। ऑप्शन सी। क्या आप श्योर हैं?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन आपने नाम सुना है पहले? चलिए आप बोल रहे हैं ऑप्शन सी, कैसे लॉक किया जाए आपको बोलना पड़ेगा, तब मैं लॉक करूंगा। ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। आप कैमरे की तरफ देखकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कंप्यूटर जी। पहला प्रश्न लाइफलाइन ली गई, लाइफलाइन लेने के बाद प्रश्न बदला गया, ऑप्शन उन्होंने चूज किया है सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन था पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। चलिए बिल्कुल सही करें, जोरदार। एक चीज होती है जिसका नाम है सेरेंडिपिटी, जिसमें धोखे से किसी चीज की जो है यानी आविष्कार एक धोखे से हो जाता है, कुछ उसी तरह से पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यह एक जो दवा है इसका इस्तेमाल आप करते होंगे अपने रोजमर्रा के जो आप दवाई खाते हैं उसमें भी, तो बिल्कुल सही उत्तर था। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एक लाइफलाइन आपकी जा चुकी है, अच्छे से खेलिएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस स्थान पर आचार्य श्री विद्यासागर जी की चर्या से प्रभावित होकर डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था। काफी प्रसिद्ध घटना है। हम ऑप्शंस हैं ए रामटेक, बी नैनागिर, सी अमरकंटक, डी बीना बारा। आप एक बार कॉन्फिडेंट होके माइक में अच्छे से बोल दें। हाँ, बी बी नैना। बताइए नैनागिर। बी नैनागिरी लॉक किया जाए। चलिए कंप्यूटर जी बी नैनागिर लॉक किया जाए। जवाब कंप्यूटर जी से पहले आपको दर्शकों ने दे दिया था, लेकिन दर्शकों की ज्यादा मत सुनिएगा, पिछली बार की बात कर रहा हूं। इतना सारा प्रश्न और दर्शकों को ही पता, लेकिन गलत उत्तर लगवा दिया। अब प्रतियोगी भरोसे बैठे कि दर्शक कुछ ही करेंगे, बता देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और हो सकता है कि प्रतियोगी नहीं देख पाए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग रखिएगा, मन से खेलिएगा, है ना, अपना मन जो कहे उसको आप आगे बढ़िएगा। चलिए तो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 26 अगस्त, 15 फरवरी, 18 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर। जब तक उत्तर आता है मैं आपको बता दूं, अभी लगभग 5,000 से 6,000 लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं। 15 फरवरी को लॉक कर दिया जाए। दर्शकों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप किसी प्रश्न में किसी भी तरह से सहायता करते हैं वह प्रश्न तुरंत हटा दिया जाएगा और उसका जो प्रश्न दूसरा आएगा वो किसी भी लेवल का हो सकता है। मैं 13वें लेवल का प्रश्न इनसे इस प्रश्न के जगह पर पूछ सकता हूं, इसलिए दर्शकों संयम बरतिएगा, आप इनकी सहायता कर रहे हैं संयम रखकर। ओके बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। मैंने आपको बताया कि 5,000 से 6,000 लोग आपको देख रहे हैं, आपको टेंशन तो नहीं हो रही उस बात से? देखिए वो अपने घर पर बैठ रहे होंगे, कोई सोफे पर बैठा होगा, कोई बाहर दोस्त के साथ बैठकर देख रहा होगा, किसी ने अभी अभी डिस्कशन चालू किया होगा कि हिंदी दिवस क्या होता है यार, हमें तो पता ही नहीं था, और किसी ने पूरा इतिहास बता दिया होगा हिंदी दिवस कब से मना रहे हैं, यह सब चल रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन आपको टेंशन नहीं लेना है। उत्तर 14 सितंबर लॉक कर दीजिए। लॉक किया जाए। बी बिल्कुल आपको पता है, सारथी सेवा समूह जब निर्माण जब हम चालू हुआ था, सारथी सेवा समूह हमारे नगर में मुनि श्री कुंतू सागर जी व इलक्षी सिद्धांत सागर जी महाराज जी विराजमान थे, और अगर जानते हो इलक्षी सिद्धांत सागर जी महाराज जी को वो कितने अच्छे कार्यक्रम कराते हैं। हिंदी दिवस पर हमने एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम कराया था, पूरे देश विदेश से असम से हमारे पास एंट्री आई थी, हमने हिंदी के ऊपर एक कविता रखी थी और बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर, हमारे Facebook पर जाकर उन कविताओं को सुन सकते हैं। इस बार अगर कोई कार्यक्रम आता है तो उसकी अपडेट के लिए भी आप Instagram, Facebook, YouTube को फॉलो कीजिए, सारे अपडेट आपको वहां पर मिलेंगे। चलिए कितने प्रश्न सही हो गए आपके? 2 हो गए कि 3 हो गए? 3 हो गए। दर्शकों प्रश्न
क्योंकि समय का पता ही नहीं चलता। चलिए प्रश्न है, नगर में विराजमान आर्यकश्री 105 सैयद मती माताजी की दीक्षा किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस रहे ये, ए 2005, बी 1997, सी 2006 या फिर डी 1996। आपके पास एक लाइफलाइन है और आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ा माइक पे बोलिए, हम भी सुनना चाहेंगे कि किस तरह से डिस्कशन किया जाता है, आने वाले प्रतियोगियों को सहायता हो जाएगी। लेना चाहेंगे, दो में कंफ्यूजन है तो चलिए लाइफ लाइन चाहेंगे। कपिल जी रुक जाइए, आपके पास एक लाइफ लाइन शेष है जिसका नाम है दर्शक पूछी, तो आपको पता है किस तरह से होगा। हाँ। मैं ऑप्शन बताऊंगा और मैं आपको बता दूं आप थोड़ा सा त्रुटि कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन के बाद भी हाथ खड़ा रखते हैं तो आप चारों ऑप्शन को सही बता रहे हैं, ऐसा होता है क्या? हमने एक ही ऑप्शन सही रखा है, तो जिस भी ऑप्शन को आपको लगता है वो सही है तभी आपको हाथ ऊंचा करना है, फिर आप अपना हाथ नीचे रखेंगे। तो प्रश्न बता दिया गया है, आर्यकश्री 105 सैयदमती माता जी की दीक्षा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 2006 या फिर ऑप्शन डी 1996। चलिए दर्शकों की राय आप देख चुके हैं, जल्दी से बताइए ऑप्शन। ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी क्या लिखा है उसमें आप बताएंगे? 2006 लॉक किया जाए। श्योर है? चलिए कंप्यूटर जी लॉक करें 2006। आपने 1997 क्यों नहीं बोला? 97 में सिद्धमती माता जी क्यों थी? दर्शकों क्या सही करें? ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि आर्यकश्री 105 सिद्धमती माता जी की दीक्षा का जो तो वर्ष है वो 5 और 6 में ही था ना। अच्छा, वो आपने सही बोला, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है, कपड़ी जी बताइए। आर्यकश्री 105 सैयदमती माता जी की जब दीक्षा हुई थी ना आचार्य श्री द्वारा, वह अंतिम आर्यिका दीक्षा थी और उस वक्त 58 आर्यिका दीक्षाएं हुई थी कुंडलपुर में। बिल्कुल सही, दर्शकों से जवाब आया कुंडलपुर में। अपने लिए जो इतने तो शिवानी आपके पिताजी आए थे, उन्होंने पहला पड़ाव पार किया था, लगभग आप उस दहलीज पे पहुंच गए हैं, लेकिन आपके पास अब लाइफ लाइन नहीं, तो क्या लगता है आप पड़ाव पार कर पाएंगी? देखते हैं। अभी भी एक दूसरे के भरोसे चल रहा है कि थोड़ा भरोसा बढ़ा है? अब साथ में बैठे हैं तो एक दूसरे के भरोसे, तो मतलब एक दूसरे का साथ तो है ही। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति। चलिए अंतिम पहले पड़ाव आपकी स्क्रीन ये, इनमें से कौन सा एक OTT प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शंस हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार, मूवी, जी और ऑप्शंस डी सफारी। OTT प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा नहीं है? डिज्नी प्लस हॉटस्टार, मूवी, जी या फिर सफारी? कोविड जब आया था उसके बाद से OTT में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हमें देखने को मिला, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस हॉट सीट पर बैठने के लिए आकुल हो रहे हैं, तो चिल्ला चिल्ला कर वो कभी सही तो कभी गलत उत्तर बोल देते हैं। तो प्रतियोगी थोड़ा सा ध्यान दें, अपने मन का प्रयोग करें। ऑप्शन जल्दी बताइए, टाइम जा रहा है, आखिरी 5 सेकेंड जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन डी लॉक करते हैं, सफारी। ऑप्शन डी सफारी लॉक किया जाए। देखिए टाइम का ध्यान रखना है आपको, 60 सेकंड ही मिलते हैं और मैंने बोला है कि टिकटिकी जी साथ में चल रही है,
जैसे ही वो समाप्त होती हैं, लगभग आप दहलीज पर थे, मैं इसको मान्य कर रहा हूं। कंपनी जी बताइए क्या है सही उत्तर। सफारी बिल्कुल सही उत्तर है। जी एक प्लेटफॉर्म है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन सफारी बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार ताली और तालियां। देखिए आप लोग एक दूसरे के भरोसे आए थे और पहला पड़ाव पार कर गए, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा। क्या लगता है एक दूसरे के भरोसे दूसरे पड़ाव की ओर नैया पार हो जाएगी? चलिए, इतना सा परिवर्तन है कि आपका जो समय है वो 60 सेकंड से बढ़कर 75 सेकंड कर दिया गया है और बाकी कोई चेंज नहीं होगा। आपके पास अब लाइफलाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। राउंड टू का, राउंड टू के प्रश्न के पहले मैं ऑडियंस को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, कृपया बच्चे ना चिल्लाएं, काफी दिक्कत हो जाती है यहां पर, सो कृपया ना चिल्लाएं। राउंड टू, चलिए राउंड टू का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल चार दीवारों से घिरे कोर्ट में खेला जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए टेनिस, बी लॉन बॉल, सी स्नूकर या फिर डी स्क्वैश। समय का ध्यान रखिएगा। देखिए पिछली बार दर्शकों से हम लोग को ये शिकायत मिली थी, ऑनलाइन दर्शकों ने भी बोला था कि अगर आप प्रतियोगिता करा रहे हैं तो नियमों का ध्यान रखिए, इसलिए आपको बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप सहायता ना करें। क्या आपने कभी पहले केबीसी नहीं देखा? अभी है 10 सेकंड है हमारे पास, टावर 60 सेकंड का है, 10 सेकंड है, जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन, डी स्क्वैश। डी लिया जाए, चलिए कपड़े जी डी। जानती हैं आपने कभी स्क्वैश गेम देखा है, किस तरह से खेला जाता है? अंदाजा लगाया है क्योंकि स्नूकर तो नहीं है, टेनिस भी नहीं है, और ये लॉन बॉल और स्क्वैश में थोड़ा सा। लॉन बॉल एक ऐसा गेम जिसमें अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए वहां पर भारत एक मेडल लेकर आया है। चलिए बताइए क्या है सही। ध्यान से देखिए चेहरे, उन्हें खुद नहीं हो रहा है कि उन्होंने सही उत्तर दे दिया। कैसा लगता है जब हमारा तुक्का सही हो जाता है? दर्शकों के साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संलेखना इज नॉट सुसाइड, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए शेखर चंद्रन, बी सुनील अंबानी, डी टी के टुकेल, डी देवल पाटनी। संलेखना इज नॉट सुसाइड, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आप दर्शकों की ओर नहीं देखेंगे, मैं फिर से आपको बता दूं, आपके पास लाइफलाइन नहीं बची है। ए शेखर चंद्रन, बी सुनील अंबानी, सी टिकेट टोल या फिर डी देवल पाटना। ऑनलाइन दर्शक थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपको पता है इसका जवाब तो उसके बारे में अगर आपको जानते हैं तो उसको भी लिखकर भेजें। आपको ध्यान रहे कि बहुत सारे लोग आपके साथ देख रहे हैं, वो आपके साथ इस आपके जवाब को पढ़ेंगे, आप उनका ज्ञान भी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए समय का ध्यान रखिएगा। भाभी कह रही है डी लगा दो, तो भाभी कह रही है डी लगा दो, आप बताइए हम क्या करें? आप डी ऑप्शन लॉक कर दो। भाभी से एक बार फिर से पूछ लो, समय है अभी। आखिरी 10 सेकंड, मुझे इशारा कर दिया गया है आखिरी 10 सेकंड। ऑप्शन डी लगा दीजिए। ऑप्शन डी है, आप कह रहे हैं कि देवल पाटनी लॉक किया जाए, जल्दी से बताइए। कंपनी जी डी देवल पाटनी। मैंने आपको पहले भी समझाया था, समय का ध्यान रखिए,
अगर इस बार हुसर बसता तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाते। तेवल पाटनी के आपने कभी नाम सुना है? मैं शुभपट्टी जी की बात नहीं कर रहा हूं, आपने नाम सुना है देवल पाटनी जी का? तो आपने क्या सोचकर लगाया था कि देवल पाटनी सही होगा? पाटनी, पाटनी, इसलिए मैंने बोला कि मैं शोभ पाटनी जी की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें लिखा था टेबल पाटनी, क्वेश्चन था संलेखना इज नॉट सुसाइड। इसके बारे में एक फैक्ट है जो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, उत्तर बता दीजिए कंप्यूटर जी, क्या है सही है? अफसोस, संलेखना इज किताब टी के टुकुल द्वारा लिखी गई थी, और इसी के साथ आपका यह सफर समाप्त होता है। वापस से मैं आपको पारितोषक देकर प्रदान करूंगा। एक इस ऋतिक भाई, आप कुछ रोचक तथ्य बता रहे हैं? तथ्य ये है, बीच में अगर आपने सिनेमा घरों में एक फिल्म देखी हो जिसका नाम था वीर गोमटेशा, क्या आपने इसका नाम सुना है? वीर गोमटेशा का आपने नाम नहीं सुना? कई जगहों पर उसकी स्क्रीनिंग की गई थी, हमारे यहाँ पर भी मैत्री समूह द्वारा वीर गोमटेशा नाम की पिक्चर महाकवि पद्माकर हॉल में लगाई गई थी। उसका विषय है वो यही है, संलेखना इज नॉट सुसाइड। आपको याद कीजिए कुमार सागर जी महाराज जी का एक आग्रह था, ललितपुर जी में कितने सारे लोगों ने मुंडन कराया था, संथारा के प्रति जो विचारधारणा बन गई थी कोर्ट की, उसके अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी गई थी उसको याद कीजिए, यह किताब उसी के ऊपर है, संलेखना इज नॉट सुसाइड। चलिए अगली जोड़ी पुरुष वर्ग से हमारी ओर आएगी। आधुनिक भारत के इतिहास में जैन धर्म जैन समाज को इकट्ठा करने वाला ये मुद्दा था। अगली जोड़ी, जितने लोग बचे हैं क्या सभी लोग पर्ची डालकर बैठे यहाँ पर? मतलब कुछ लोग अपने दोस्तों को या फिर अपने मम्मी को या फिर अपने बच्चों को हॉट सीट पर देखना चाहते हैं, देखते हैं कौन आएगा। पहला नाम आया है शुभम जैन। दूसरा नाम है संस्कार जैन। जल्दी से स्टेज पर आएंगे शुभम। जब तक हमारे जो प्रतिभा वो अपने आप को थोड़ा सा सही मत करते हैं, अपने बालों को सही करते हैं, तब तक हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। यहाँ पे आप जो आकर्षक उपहार देख रहे हैं पीछे, भूमि बैग पारस बैग हाउस से आए हैं, जो ज्ञान सारथी बनेगा उसको ये उपहार दिए जाएंगे। साथ ही साथ स्टील से भी हमें पुण्यार्जक के रूप में नाम दिया गया है, साथ ही साथ एक और पुण्यार्जक है जिनका नाम है पारसनाथ कंप्यूटर। तो हमारे पुण्यार्जकों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चलिए प्रतियोगी माइक हाथ में ले लीजिए, समय है आपको अपने परिचय देने का, और एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द, परिचय दे दीजिए जब तक। मेरा नाम शुभम जैन है। मेरा नाम संस्कार जैन है। अभी आप क्या कर रहे हैं? मेरी ट्वेल्थ हो गई है, अब कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। चलिए, एक ग्रेजुएशन की ओर बढ़ रहा है और एक की ग्रेजुएशन हो गई है। एक और अनोखी जोड़ी हमारी सामने स्क्रीन पर आ गई है। एक और विशेष बात, पिछले तीन बार से जो प्रतियोगी आ रहे हैं वह एक ही बार से है। सबसे पहले प्रतियोगी थे, उसके बाद उनकी पुत्री शिवानी अभी अभी पहला पड़ाव पार कर गई है, और अब शिवानी के भाई हमारे साथ इस प्रतियोगिता में। देखो पहले बता दो भैया कि ये फिक्सिंग नहीं है, हमारे दर्शकों को बता दो। नहीं, इसमें कोई फिक्सिंग नहीं है। जो चिट है वो डाली जा रही है। यह जो आप देख रहे हैं नाम बुलाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राउंड एक प्रश्न एक, भारत
वर्ष को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950। बी आंसर। ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ ऑप्शंस कंफ्यूज कर देते हैं। भारतवर्ष को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, जल्दी से बताइए उत्तर। 15 अगस्त 1947। कंपनी जी बी 15 अगस्त 1947 को लिया जाए। दूसरे प्रश्न की ओर तालियां। दूसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। भगवान आदिनाथ की आयु कितने वर्ष थी? ए 42 लाख पूर्व, ऑप्शन दो 84 लाख पूर्व, ऑप्शन तीन 1 लाख पूर्व और ऑप्शन डी है 108 लाख पूर्व। याद रखिएगा आपका समय चल रहा है। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? पहले तीर्थंकर बताइए। बी 84 लाख पूर्व। आपके पास दो लाइफलाइन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बी लॉक कर दिया जाए। बी लॉक किया जाए, क्या आप श्योर हैं? चलिए कंप्लीट जी, बी 84 लाख पूर्व लॉक किया जाए। बिल्कुल जोरदार तालियां। बढ़ते हैं प्रश्न तीन की ओर। जैन आगम चार अनियोग में विभक्त है, उसमें से महापुरुषों की कथाएं किसमें पढ़ने में आती हैं? आपके ऑप्शन रहे ये प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग। टिकटिकी जी अपने 60 सेकंड लेकर स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे ही खत्म होंगे आपको उसके अंदर ही उत्तर देना है। जैन आगम चार अनियोग में विभक्त है, उसमें महापुरुषों की कथाएं किस में पढ़ने में आती है? प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग, कर्णानियोग या चरणानियोग। आपके पास दो लाइफलाइन है। लाइफलाइन लाइफलाइन तुरंत कौन सी लाइफलाइन से बताइए। ऑडियंस ऑडियंस की ओर जाना चाहेंगे। ऑडियंस देख पा रहे हैं आप, क्या लगता है सहायता कर पाएंगे? चलिए ऑडियंस ऑप्शन ए पर हाथ उठाएंगे प्रथमानियोग, ऑप्शन बी पर हाथ उठाएंगे द्रव्यानियोग, ऑप्शन तीन करणानियोग, ऑप्शन डी चरणानियोग। ऑडियंस के साथ जाएंगे प्रथमानियोग। श्योर है? कंप्यूटर जी लॉक करें ऑप्शन ए प्रथमानियोग। बिल्कुल सही उत्तर है, चरणानियोग नहीं है, प्रथमानियोग इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रथमानियोग पे आपको महापुरुषों की कथाएं देखने में आती हैं और इस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे के अनियोग की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताएं। ए नरेंद्र मोदी, बी जगदीप धनखड़, सी द्रौपदी मुर्मू या फिर डी एम वेंकैया नायडू। सी ध्यान से आपको आंसर दीजिए, आपको समय मिल रहा है उसका उपयोग कीजिए, फिर आंसर दीजिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। कपड़े जी लॉक करें ऑप्शन सी। बिल्कुल सही उत्तर है, द्रौपदी मुर्मू हैं नवनियुक्त प्रेसिडेंट। आपको बता दूं भारत में दूसरी बार है जब महिला राष्ट्रपति चुनी गई है और यह पहली बार है जब किसी ट्राइबल वुमन को राष्ट्रपति चुना गया है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्रतियोगी के लिए, इतने अच्छे से जो आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए चौथे तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ था? ए हस्तिनापुर, बी मथुरा, सी अयोध्या या फिर डी काशी। कृपया ऑडियंस की तरफ ना देखें।
आपके पास एक लाइफ लाइन अभी भी है, समय बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए। टेक्निकल टीम से निवेदन है चार्जर लगा लें। आखिरी 10 सेकेंड, जल्दी से उत्तर दीजिए। लाइफलाइन कंपनी जी, लाइफलाइन का इस्तेमाल किया गया। यह प्रश्न में दर्शकों की ओर भेज रहा हूं, चौथे तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ था? अयोध्या। बताइए चौथे तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ था? यह प्रश्न मैं बड़ों से लेना चाहूंगा उसका उत्तर, छोटे से नहीं। बच्चों से अगला प्रश्न मैं पूछ लूंगा, बताइए चौथे तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ था? अयोध्या। अयोध्या। तीर्थंकर का नाम पता है बेटा आपको? चौथे तीर्थंकर का नाम क्या है? अभिदन्ननाथ। किसने बताया आपको ये? किसने बताया? नाम आते हैं 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं। चलो इसी बात पे मैं आपको पारितोषक देता हूँ, इस बात की आपको 24 तीर्थंकर के नाम पता है। उत्तर की माता जी ने दिया था, लेकिन सही उत्तर है, बिल्कुल सही, अभिनंदन नाथ जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। जल्दी से आ जाओ, अपना नाम बताओ और पारितोषक लेके जाओ। नाम क्या है आपका? रियांश जैन। रियांश जी के लिए तो फ्लिप क्वेश्चन दिखाया जाए। कंप्यूटर जी, दीपा कर्माकर ने 2016 ओलंपिक्स में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन ए शतरंज, बी बैडमिंटन, सी टेनिस, डी जिम्नास्टिक्स। समय शुरू हो चुका है। मैं पता मत को डी डी जिम्नास्टिक। क्या आप श्योर हैं? आपके पास अब लाइफ लाइन नहीं बची है और ये पहले पड़ाव का अंतिम प्रश्न भी है, थोड़ा सोच समझ कर आंसर दीजिए। शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस या जिम्नास्टिक, जल्दी से बताइए। डी लॉक कर दो। डी लॉक जिम्नास्टिक। चलिए कपड़ी जी, डी जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर, बहुत ही छोटा सा अंतर था कि वो पोडियम फिनिश नहीं कर पाई थी, पोडियम फिनिश अर्थात उन्हें मेडल नहीं मिल पाया था, बहुत छोटा सा अंतर। इतने पर भी उन्होंने इतनी ज्यादा सुर्खियों में अपना वाहवाही बटोरी थी, क्योंकि बहुत ही अच्छी फ्लिप थी उनकी। वो बिल्कुल सही जिम्नास्टिक, बिल्कुल सही। एक कैसा लग रहा है आपको, आप पहले पड़ाव के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बस अच्छा ही लग रहा है अंदर से। अच्छा ही लग रहा है। क्या विद्यार्थी बन पाएंगे? उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं पूरी रहेगी। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहिएगा। दूसरा राउंड, बिना लाइफलाइन के आप इस राउंड की ओर बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर जी पर ध्यान दीजिएगा या फिर आप मुझे देखिएगा, दर्शक की ओर आप ध्यान नहीं रखेंगे। दूसरे स्क्रीन पर लाया जाए। एक साथ अधिकतम कितने ज्ञान होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 2। एक साथ अधिकतम कितने ज्ञान होते हैं? 5, 4, 3 या फिर 2। जो दर्शक ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है वो आंसर अपने कमेंट्स में लिखते जाएं। सी 3। को आप लोग जितने खेल रहे हो ना, ये आवाज मुझे यकीन है कि माता जी के पास अवश्य तक जा रही होगी, तो ध्यान से खेलिएगा। माता जी जरूर आपसे बोलेंगे, अरे आप तो ये उत्तर नहीं पता था इतना सारा। लॉक करें फिर सी। जल्दी बताएं कौन सा उत्तर आपने बोला है, माइक से बोलिए। C3। कंपनी जी, C3। आपको पता है कितने ज्ञान होते हैं? कितने ज्ञान होते हैं, माइक से बताइए। सम्यक दर्शन नहीं।
कोई बात नहीं। दर्शकों को क्या आप बताएंगे ज्ञान कितने होते हैं? एक साथ बता दीजिए कितने होते हैं। बिल्कुल सही, पांच होते हैं। पांच में से एक साथ अधिकतम कितने हो सकते हैं यह प्रश्न था। और थोड़ा सा दर्शकों की प्रतियोगी प्रतिक्रिया से आपको समझ में आ रहा हो। कंप्यूटर जी आप फिर भी बता दीजिए क्या उत्तर सही है। नहीं, एक साथ अधिकतम चार ज्ञान। बहुत ही उम्दा खेल है आप दोनों। चलिए है एक साथ अधिकतम चार हो सकते हैं। और चलिए प्रतियोगी को बुलाया जाए। सार्थक से बोलो हुटर बजा दे, सार्थक से बोलो हुटर बजा दे। अगला जो नाम है वो महिलाओं की ओर से आएगा। जोरदार तालियां प्रतियोगी। जल्दी से मेरे पास दर्शकों लगभग चार जोड़ी यहां पर खेल चुकी हैं। कोई भी जोड़ी आठवें प्रश्न के ऊपर नहीं पहुंची है। और मेरी हंसी इतनी, मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाला है। बुलाइए आगे जोड़ी को बुलाइए। रस्ती जैन और मनीषा जैन, क्या ये माताश्री है क्या? दस होने जा रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो सब फेयर हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप आगे बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, गलत नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जल्दी से स्टेज पर आइए श्रीमती मनीषा जी और दृष्टि जी, जल्दी से स्टेज पर आ जाइए। और आपको मैं बता दूं कि आयोजित किया जा चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक ही बार में एक ही सदस्य इसके चयन करेंगे। इसलिए आप दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग बैठे हैं संयम बरकरार रखें, बहुत जल्द दर्शकों से भी एक प्रश्न होगा। तो मैं श्रीमती मनीषा जी से क्वेश्चन करूंगा, कैसे आप खेल नहीं पाए? हमारे भाई सरल से निवेदन है कि कुर्सियां कैमरे की तरफ थोड़ा सा, माइक थोड़ा सा अच्छे से पकड़िए, पास में रखिए मुझे। हमने कभी नहीं खेला इसलिए डर तो बहुत लग रहा है, पर आ गए सीट पर। मुझे इनको बुरा लग रहा होगा कि मेरे परिवार के चार सदस्यों ने खेल लिया, मुझे खेलने क्यों नहीं मिला। और देखिए स्वभावश पुण्य से इनका नाम आ गया है। चलिए विराजमान है हमारे साथ श्रीमती मनीषा जी और दृष्टि जी, एक सामान्य परिचय आप दर्शकों के लिए दे दीजिए, फिर हम प्रश्न शुरू करते हैं। मैं हूँ मनीषा जैन। मेरा नाम दृष्टि जैन। इतना ही काफी है क्या? आप थोड़ा और कुछ बोलना चाहेंगी आपकी पसंद नापसंद के बारे में? माइक, आपको जो भी बोलना है माइक पर बोलना है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि धार्मिक प्रश्न ज्यादा आए कि सामाजिक प्रश्न ज्यादा आए? दोनों। दोनों? वैसे आप कुछ एक बोलती तो हम मानते थोड़ी ना, ये कंप्यूटर जी हमें ऐसे नहीं सुनते हैं, उनको तो अपने हिसाब से प्रश्न देने हैं, फिर भी हम पूछ लेते हैं कि आपका मन बना रहा है ना। चलिए, क्या लगता है ज्ञान सारथी की खोज आपके बाद समाप्त हो जाएगी या फिर हमें अगले स्टेशन की ओर जाना होगा? जल्दी बताइए, माइक माइक का इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए करते हैं फिर से शुरू। पहला
प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान दीजिए कंप्यूटर पर। अगला प्रश्न, जल्द आपके सामने अगला प्रश्न आएगा। राउंड वन है ये, राउंड वन का आपको प्रश्न देना है। आपकी स्क्रीन पर अब पहला प्रश्न आने वाला है। चलिए प्रश्न, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के उस महाकाव्य का नाम बताएं जिसमें ये लिखा है, महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस प्राप्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए नर्मदा का नरम कंकर, बी मुखमाटी, सी भक्ति काव्य, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस प्राप्त होता है। माइक का उपयोग कीजिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, और आप जो भी डिस्कस कर रहे हैं माइक पर कीजिए। ऑनलाइन दर्शक बड़े ही जिज्ञासु होते हैं कि प्रतियोगी क्या डिस्कस कर रहे हैं, माइक का उपयोग कीजिए। लाइफलाइन। चलिए कंप्यूटर जी रुक जाइए, लाइफलाइन इस्तेमाल की जा रही है, कौन सी लाइफलाइन? चेंज क्वेश्चन। आपको प्रश्न बदलना है, चलिए प्रश्न बदल देते हैं, दर्शकों की ओर ले जा रहा हूं। किस जगह लिखी हुई है, कौन बताना चाहेगा, जल्दी से हाथ उठाइए। किस जगह पर लिखी हुई है नर्मदा का नरम कंकर, किस काव्य में देखने मिलता है नर्मदा का नरम कंकर, मुखमाटी? जल्दी से कोई भी हाथ खड़ा कीजिए, जल्दी से हमारे साथी आप तक पहुंच जाएंगे। आ जाइए, अगर माइक अब तक नहीं पहुंच पा रहा है आप माइक तक पहुंच जाए, कोई एक चीज हो जाए बस। नर्मदा का कंकर, आपने बोला नर्मदा का नरम कंकर, ठीक है ये तो सही उत्तर नहीं है। जल्दी से जब तक क्वेश्चन तैयार रखें, मुखमाटी। मुखमाटी बिल्कुल सही उत्तर है। आइए स्टेज पर, आप पारितोषक लेकर जाइएगा। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आपको बता दें विद्योदय एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने देखी होगी, दर्शकों जोरदार तालियां बजती रहे। ये लाइन आती है और उसमें ये लाइन लिखी हुई है मुखमाटी की, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आंटी जी ने। चलिए आपने लाइफलाइन इस्तेमाल की थी, प्रश्न बदल दिया गया है और बदला हुआ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, ए बिहार, बी उड़ीसा, सी बंगाल, डी असम? टिकटिकी जी को सुनते रह गया और या तो आप तरफ ना देखें, हम दोनों आपके सामने बैठे हैं, सहायता भी करेंगे तो हम ही करेंगे। डी, डी लॉक किया जाए, क्या आप श्योर हैं? आप उनसे भी पूछ लीजिए एक बार, नहीं तो वापस जाके बोलेंगे क्या, अरे हमें हमारी सुनी नहीं तुमने। सुनिए सुनिए, डी लॉक। चलिए आपसी सहमति के बाद यह तय हुआ है कि डी लॉक करना है। कंप्यूटर जी डी जाए। बिहू क्या है आपको पता है? बिहू क्या है? इसमें लिखा है उत्सव है, पर क्या है? उपयोग कीजिए, डांस है, एक नृत्य, डांस होता है नृत्य। आपने कभी किया है बिहू नृत्य? मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगता है, अगर आप कभी देखेंगे बहुत बहुत अच्छा लगता है बिहू डांस। दर्शकों से कुछ लोगों में देख रहा हूँ करके भी बता रहे हैं, ऑनलाइन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ लेकिन वो थोड़ा सा, चलिए ना देखें तो ज्यादा अच्छा। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव उत्सव है, आपने उत्तर दिया है असम। कंप्यूटर जी बताइए क्या है सही उत्तर? बिल्कुल पहला प्रश्न आपने लाइफलाइन भी इस्तेमाल कर लिया और सही उत्तर भी दे दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन है, किस नाम से जैन धर्म की एक मूवी सिनेमा घर में आई है, ए विद्याधर, बी मैना सुंदरी, सी गोमटेशा, डी सल्लेखना? देखिए ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जा रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत मुझे सुन रहे होते तो ध्यान होता कि बीच में, और देखिए मैं फिर से कह रहा हूं आप दर्शकों को नहीं देखेंगे,
बिना सहायता के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। विद्याधर मैना सुंदरी गोमटेशा या फिर सल्लेखना, इनमें से किस नाम से जैन धर्म की एक मूवी सिनेमाघरों में आई है, जल्दी से बताइए। विद्याधर के लॉक लॉक किया जाए। आपके पास एक और लाइफ लाइन है, दर्शकों की राय आप ले सकते हैं, जल्दी से लॉक किया जाए। आप लाइफ लाइन लेना नहीं चाहते हैं, चलिए कपड़ी जी। ए विद्याधर पर ताला लगाया जाए। था जब मैं आपको कुछ बता रहा था, क्या इन्होंने सही उत्तर दिया है? ये उत्तर गलत है। सल्लेखना इज नॉट सुसाइड, जब प्रश्न आया था उसके बाद मैंने बताया था कि एक मूवी आई थी जिसका नाम था वीर गोमटेशा। गोमटेशा नाम की एक मूवी सिनेमा घर में आई थी, वो भी एक बहुत अच्छी पिक्चर है, आप उसे देखिएगा। अभी घर जाकर एक बार जरूर सर्च करिएगा वीर गोमटेशा, और आपको पारितोषिक पारितोषिक जरूर दिया जाएगा इसके साथ ही। और जब तक पारितोषिक मिलते हैं, मैं आपको ऑडियंस से ये प्रश्न पूछता हूं कि आपको क्या आगे बढ़ना है या फिर हम इसे अभी समाप्त करें। मेरे पास पर्ची दे दी जाए, अगली दो पर्ची दे दी जाए। एक मिनट, ये कैसा आवाज था, फिर से करिए। अफसोस हूटर बच चुका है। हूटर का अर्थ है कि यह आज का खेल यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको यह खेल आगे फिर से देखना है, अगर आपको यह फिर से देखना है तो कल पूज्य बड़ी माती जी जहां पर विराजमान है उदासीन आश्रम में, ठीक 8:30 बजे फिर से यह खेल आगे बढ़ेगा। कौन बनेगा ज्ञान सारथी, क्योंकि ज्ञान सारथी की सोच अभी भी चल रही है। तीन पद के शंकर मैंने पूछा था तो शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी और अरना जी बिल्कुल सही उत्तर है उसका। जिस जिस भी दर्शक ने कॉमेंट में लिखा था, आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद। मैं शुक्रिया देना चाहूंगा आप सभी को कि जितने भी लोग इस जगह इस प्रतियोगिता में शामिल हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दो प्रतियोगी अंजलि जैन और स्नेहा जैन आकर अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएं। अगर वो नहीं है तो कोई भी सर्टिफिकेट दे लीजिए और उन तक पहुंचा दीजिएगा। कोई भी यहां पर आ जाइए और सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। जो लोग हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोगों को बुलाया जाए, लेकिन हम लोग बैठे ही रहे। आप कल उदासीन आश्रम में आइए, वहां जाके क्या करेंगे। देखिए सब्र का फल मीठा होता है, उत्तम संयम धर्म की संयम रखिए। हो सकता है यहाँ पर आपको ज्ञान सारथी नहीं बनना है, उदासीन आश्रम में बनना है पूज्य बड़ी माता जी के समक्ष, जो जिन तक इंफॉर्मेशन तो पहुंच ही जाएगी। चलिए तो इसी के साथ मैं आज का यह खेल समाप्त करता हूं। कल हम फिर से मिलेंगे एक इसी समय पर 8:30 बजे। सभी लोग ध्यान से अपने अपने स्क्रीन पर सजग होकर बैठ जाइएगा। ऑनलाइन दर्शकों के लिए भी कुछ प्रश्न हम एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं कल, तो ध्यान से आइएगा। सभी के लिए सादर जय जयरंग। उसके पहले मैं दीनदयाल नगर